हेलो गाइस, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टेक्नोजोलॉजी के अंदर। और गाइस, आज हमारे पास है दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी M01 कोर। और गाइस, इस स्मार्टफोन में ना एक अपडेट आया है, लेटेस्ट अपडेट। इसके रिव्यू आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ, आप लोग अगर ये वाले अपडेट को चेक करते हो जाके डायरेक्ट, आप लोग गौर से देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको एक नया सा अपडेट देखने के लिए मिल रहा है इस वाले डिवाइस के अंदर, जो कि 67.52 MB का अपडेट है और जनवरी का सिक्योरिटी पैच 2021 का फर्स्ट अपडेट है, मतलब कि इस साल का फर्स्ट अपडेट है दोस्तों। तो कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या नया फीचर है वो भी दोस्तों डिस्कस करके बताऊंगा। उससे पहले गाइस, चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन वाले ऑप्शन को दबा के रखो, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के बारे में आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, आज की जो वीडियो है शुरुआत कर लेते हैं। गाइस, ये जो डिवाइस है ना, सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर, ये वाला डिवाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये 5000 के अंदर बहुत ही एक अच्छा एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। जो लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए, अगर वो कीपैड छोड़ के कोई स्मार्टफोन के ऊपर जाना चाहता है कुछ कम बजट में, तो ये वाला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपके घर में अगर कोई पेरेंट्स हो, आप प्रोवाइड करना चाहते हो उनको स्मार्टफोन, आप लोग ये वाला स्मार्टफोन उनको प्रोवाइड ज़रूर कर सकते हो दोस्तों। अब गाइस, इस स्मार्टफोन में ना अपडेट आते हैं, उससे पहले तो मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा दूं। तो यहां पे आपको अबाउट सिस्टम में जाके, अबाउट फोन में, यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो ये फोन है दोस्तों, सिक्योरिटी पैच अक्टूबर 2020 का सिक्योरिटी पैच चल रहा है और वो अपडेट दोस्तों जनवरी का आया, मतलब 2021 का फर्स्ट अपडेट आ चुका है। इसके रिव्यू हम करके दिखाने वाले हैं। इसके बाद गाइस, आप लोग यहां पे एंड्रॉइड वर्जन चेक कर सकते हो। एंड्रॉइड वर्जन ये 10 पे चलता है और यार, इस वाले स्मार्टफोन ना 1 GB रैम आपको देखने के लिए मिलता है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे एंड्रॉयड 10 भी मिल जाता है दोस्तों, जो कि आपको क्वाइट डिसेंट सा मिलता है। यहाँ से आप लोग एंड्रॉयड 10 का हर फीचर्स, आप लोग वन UI के जो सैमसंग के होते हैं आप देख सकते हो इंटरफेस, तो ये वाले सब फीचर आप लोग यहाँ से यूज़ कर पाओगे और फोन अच्छा खासा वर्क करता है एंड्रॉयड 10 के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। अब बात रही इस अपडेट की, इस अपडेट को अगर आप लोग देखते हो गौर से, तो 67.52 MB का अपडेट है, जनवरी का अपडेट है और यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे कुछ कुछ लिखा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हो, सिक्योरिटी जो डिवाइस है आपका ये इम्प्रूव किया गया है और आफ्टर अपडेटिंग विल यू बी एबल डाउनग्रेड टू द ओल्ड सॉफ्टवेयर बिकॉज द अपडेट सिक्योरिटी पॉलिसी इशू के लिए। अगर आप लोग दोस्तों अपडेट करते हो, अपडेट करने के बाद आप पुराने वर्जन में नहीं जा सकते हो, ये सैमसंग ने यहाँ पे क्लियरली बता दिया, क्योंकि एक बार इंस्टॉल होने के बाद सिंपली दोस्तों आप लोग पुराने वर्जन में नहीं जा सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे गाइस, दूसरा आपको यहाँ पे कुछ बग फिक्सेस और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ये सब देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे न्यू एंड एनहेंस फीचर भी यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, आप लोग ये सारी चीज देख सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। तो गाइस, आपने देख लिया, यहाँ पे हमने डाउनलोड पूरा कर चुके हैं और यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, इसको रिस्टार्ट करके अपने डिवाइस में इस वाले अपडेट को इंस्टॉल कर लेना है, जनवरी वाला। अब सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपके डिवाइस में गाइस 50% से ऊपर कम से कम चार्ज रहना चाहिए, अदरवाइज अगर आप लोग 40, 30 या 20% में अपडेट करते हो तो आपका डिवाइस दोस्तों क्रैश रूटेड भी हो सकता है और आपके डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क भी करना शायद बंद ही कर दे। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग थोड़ा ज्यादा चार्ज रख के उसके बाद ही अपडेट पे बिठाना दोस्तों। अब यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं और रिस्टार्ट होने देते हैं, उसके बाद दोस्तों आते हैं थोड़ा बातचीत, इसके बारे में बात करेंगे क्या कुछ नया आया है कि नहीं और इस फोन के बारे में और भी डिटेल में आपको बताएंगे। तो गाइस, फाइनली हमने इसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट है जनवरी सिक्योरिटी पैच वाला इंस्टॉल कर लिया। अब मैं आपको सबसे पहले तो सेटिंग में जाके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे फिर से वही जगह पे दोस्तों हमें जाना है और यहाँ पे अबाउट डिवाइस पे जाना है और ये जो पॉपअप मैसेज है आप लोग देख सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, तो सिंपली आपको ओके में दबा देना है दोस्तों।
अब इस डिवाइस के बारे में कुछ बात किया जाए तो यहाँ पे अगर एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात किया जाए तो फिर से वही एंड्रॉयड 10 आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एंड्रॉयड 10 आपको मिलता है ये एंड्रॉयड गो एडिशन देखने के लिए मिलता है, मतलब फुल वर्जन आपको एंड्रॉयड 10 का देखने के लिए नहीं मिलता। गो एडिशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ सिंपल सा आपको एंड्रॉयड 10 के फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि एंड्रॉयड 10 में मिलते हैं, और वन यूआई आपको देखने के लिए मिलता है, सैमसंग का वन यूआई आप लोग देख सकते हो। तो ये जो गो एडिशन है बहुत ही अच्छा है, मैं नहीं कहूँगा ये बुरा है। और 5000 के एक स्मार्टफोन में अगर एंड्रॉयड 10 आपको मिलता है तो और क्या चाहिए आपको इन दिनों के अंदर। अब बात किया जाए दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, तो सैमसंग इन दिनों में 5000 के फ़ोन के अंदर जिसमें 1GB रैम है उसमें दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करता है। और ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं ना ये महीने के अपडेट्स है दोस्तों, इससे पहले भी मुझे इस मोबाइल में मिल चुका है लेकिन एक कारण में मैं इस वीडियो को नहीं अपलोड किया, तो इस वाले जनवरी अपडेट से ही मैंने स्टार्ट किया। सिक्योरिटी पैच लेवल आप लोग देख सकते हो, और जो अपडेट्स है ना ये इम्प्रूव करता है अपने सिस्टम को, मतलब एक डिवाइस है जिसमें 1GB का रैम है इसके बाद सैमसंग इसमें अपडेट पुश करता है जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपका डिवाइस रन करता है अच्छी तरीके से, जिसमें एंड्रॉयड 10 गो एडिशन है। और यार ये सैमसंग ही खुद कर सकता है, ये सैमसंग का ही बस की बात है दोस्तों। एनीवेज गाइस, आपके पास अगर कोई ऐसा मेंबर है आपके फैमिली का, अगर आपके मम्मी पापा या कोई भी आपके फैमिली का जो कीपैड फोन छोड़ के थोड़ा ऊपर में आना चाहते हैं, मतलब 5 से 6 हज़ार के बीच में अगर कोई स्मार्टफोन वो लोग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने के खातिर मैं इस स्मार्टफोन को रिकमेंड 110% करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ना बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर बात की जाए इसके कैमरास के बारे में तो मैं आपको इस स्मार्टफोन का कैमरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैमराज ना बहुत ही अच्छे है स्मार्टफोन का, आप लोग देख सकते हो, एक फोटो भी मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो। शटर स्पीड भी अच्छा है और यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल और सामने में 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग फोटोज़ भी देख सकते हो अच्छे खासे आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग दूसरे फीचर्स के बारे में बात करो, मतलब यहाँ की यूआई के बारे में, तो सैमसंग का यूआई सभी को पसंद है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा मिलता है, मतलब एक आपको यहाँ पे सैमसंग का एग्जाइनस का चिप शायद इसमें डाला गया है, मतलब कौन सा चिप है मुझे मालूम नहीं अभी तक, लेकिन आई थिंक यहाँ पे एग्जाइनस का ही चिप है सैमसंग का खुद का, तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। थोड़ा लैगिंग इशू है लेकिन 1GB रैम में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा जाए इस स्मार्टफोन में आपको अपडेट दिया जाता है, महीने महीने का अपडेट आपको मिलता है, एंड्रॉयड गो एडिशन है, एंड्रॉयड 10 का आपको सपोर्ट मिलता है, वन यूआई का भी अपडेट्स आते हैं दोस्तों इसमें, तो सब कुछ मिला कि अगर देखा जाए ये जो स्मार्टफोन है मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। स्मार्टफोन का जो अनबॉक्सिंग था मैंने किया था, अगर आपने नहीं देखा आपको आई बटन में यहाँ पे ऊपर में लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देख लेना, और 5000 रुपया में बहुत ही अच्छा डील में बताऊंगा, जरूर परचेस कर सकते हो। वैसे इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत हुआ है दोस्तों, मेरे को थोड़ा लैगिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा था, अभी आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन मिला है सिस्टम के अंदर अच्छा खासा है, और कोई नए फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, अगर कोई नया फीचर आता है तो नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा दोस्तों। वैसे आज का ये जो वीडियो है दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताना आप कमेंट करके, और हमारे चैनल में अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर है या आप खरीदना चाहते हो, क्योंकि खरीदने के बाद सारे अपडेट्स का रिव्यू हमारे चैनल में आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों सबसे पहले। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं और एक सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर के लेटेस्ट वीडियो में। सबका दिन शुभ रहे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।